हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और फैक्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है। गाइस, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कोरोना को रोकने के लिए अभी कोई दवा नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को इस वायरस से लड़ने में कारगर माना जा रहा है। भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं, इसलिए भारतीय दवा कंपनियां बड़े स्तर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन करती है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका सहित 30 देश भारत के आगे लाइन लगा के खड़े हैं इस दवा के लिए, और उन देशों का ये दावा है कि कोरोना के मरीजों को ये दवा दी जा रही है और सहायक भी साबित हो रही है, और इसी वजह से इसकी मांग और बढ़ गई है। हालांकि हाल ही के दिनों में भारत में इस दवा के उत्पादन में थोड़ी कमी आई है। आइए जानते हैं कितना होता है उत्पादन। हमारे भारत में हर महीने करीब 40 टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन होता है, यानी 200 mg की 20 करोड़ टेबलेट। लेकिन दवा कंपनियां अपनी क्षमता बढ़ा रही है और इसे अगले महीने में बढ़ाकर 70 टन तक किया जा सकता है। जानकारों का ये कहना है कि भारत को हर साल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की करीब 2.5 करोड़ टेबलेट की ही जरूरत होती है, यानी इसका उत्पादन भारत की अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा बाहर भेजने के लिए ही होता है। मतलब भारत में ज्यादातर ये दवा बाहर भेजने के लिए ही बनाई जाती है। अब इसमें कोविड-19 से निपटने और उपचार में इस्तेमाल को भी जोड़ दिया जाए तो भी भारत के पास उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा से इम्यून सिस्टम एक्सट्रीम लेवल पे एक्टिव किया जा सकता है। इससे 1990 से मलेरिया और गाठिया जैसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दवा के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है, जैसे सिर चकराना, सिर दर्द होना, मूड का खराब होना, स्किन में खुजली होना, सूजन होना, स्किन का पीला पड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, नाक से खून बहना और सुनने में दिक्कत होना। इसीलिए इस मेडिसिन को ज्यादा मात्रा में नहीं खाया जा सकता और ओवरडोज लेने पर इससे मौत भी हो सकती है। आप टेंशन मत कीजिए, भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इतना स्टॉक कर रखा है जिससे भारत की कुल जनसंख्या को संभाला जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो